संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार, भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछले दो अंकों से हम महान गणितज्ञ आचार्य आर्यभट्ट की कथा कह रहे हैं और हमने ये भी कहा था कि अगले अंक में हम गणित और खगोल विज्ञान में उनके योगदान पर बात करेंगे। तो चलिए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आचार्य आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टीय पर गहन शोध की आवश्यकता है। यह आश्चर्य का विषय है कि इसमें गणित में कठिन माने जाने वाले इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस या अनिश्चित समीकरणों को हल करने की विधि तक दी गई है, जिसे उस समय कुट्टक विधि कहा गया। कुट्टक विधि में कलन विधि या एल्गोरिदम शामिल थी, इसीलिए इस विधि को आर्यभट्ट एल्गोरिदम भी कहते हैं। आर्यभट्ट ने सीरीज ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी वर्ग और घन के श्रेणियों के मान निकालने और वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधियां भी प्रस्तुत की, जो आज भी मान्य हैं। स्थानीय मान पद्धति या प्लेस वैल्यू सिस्टम आर्यभट्ट का गणित को एक ऐसा योगदान है जिसके आधार पर आज का सारा गणित और गणनाएं टिकी हुई हैं और आज सभी इसी पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। चार का मान चार होगा या 4000, ये इस बात पर निर्भर करता है कि चार संख्या में किस स्थान पर आता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो यही है आचार्य आर्यभट्ट की स्थानीय मान पद्धति या प्रणाली। इसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू सिस्टम कहा जाता है। इसके आधार पर एक के दाहिनी ओर अगर एक शून्य है तो वो 10 बन जाएगा, अगर दो शून्य या दो जीरो है तो वो 100 बन जाएगा। इस तरह इस प्रणाली में उन्होंने शून्य का सही तरह से उपयोग हमें समझा दिया। शायद इसीलिए हम शून्य का आविष्कारक आचार्य आर्यभट्ट को मानते हैं। परंतु शून्य और उनके संबंध पर आज भी प्रश्न होते हैं, तो पहले भी होते होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात उपनिषद का उद्घोष है कि वे पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण में यदि कुछ घटाया जाए या जोड़ा जाए तब भी वो पूर्ण ही रहता है। मित्र, उपनिषद ने यहाँ दो पूर्ण कहे हैं, इनका क्या अर्थ है? यहाँ एक पूर्ण ब्रह्म है और दूसरा ब्रह्म से जन्मा जगत। ब्रह्म से जगत उत्पन्न होने के पश्चात भी ब्रह्म पूर्ण है और पुनः जगत के उसमें मिल जाने के बाद भी वो पूर्ण ही है। मित्र, व्याख्या मुझे एक गणितीय अवधारणा की ओर संकेत करती हुई लगती है। जैसे एक अंक हो, उसमें कोई भी अंक जोड़े या घटाए उसके मान में कोई अंतर ना आए। मित्र, हमें इसके बारे में गुरुदेव से चर्चा करनी चाहिए। रुको। प्रणाम आचार्य। कहाँ जा रहे? गुरुदेव से चर्चा करने हेतु। आचार्य, हमने उपनिषद के उद्घोष में एक गणितीय अवधारणा के संकेत देखे हैं, उसी पर चर्चा करनी है कि वो कौन सा अंक है जिसमें वो अंक शून्य है जिसमें कोई भी अंक जोड़ने या घटाने में कोई भी अंतर नहीं आता। शून्य? हाँ आचार्य, आप सत्य कह रहे हैं, वो अंक शून्य ही है। परंतु आर्यभट्ट तो ये सत्य नहीं कहेंगे। परंतु कैसे? यदि वो सत्य कहेंगे तो उन्हें ये स्वीकारना होगा कि शून्य का अस्तित्व वैदिक काल से है, और यदि ये सत्य उन्होंने स्वीकार लिया तो इन्हें
शून्य का आविष्कारक कौन मानेगा? मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसे स्वीकारने। मैंने तो स्वयं को किसी आविष्कार से भी नहीं जोड़ा। आर्यभटीयम् नन्म पूर्व स्वायं भुवम् सदा सद्यतर, अर्थात आदिकाल में जिस ज्योतिष शास्त्र को वेद से निकालकर लोक में कहा गया, उसी वैदिक ज्योतिष शास्त्र को मैंने आर्यभटीय में कहा, ये मेरा है ही नहीं। परंतु शून्य की अवधारणा? शून्य की अवधारणा ही नहीं आचार्य, गणित, खगोल, ज्योतिष और विज्ञान के कई स्वरूप वैदिक काल से अस्तित्व में हैं, परंतु उन्हें आज के परिपेक्ष में समझना, उन्हें प्रयोगों से सिद्ध करना, यही मेरा उद्देश्य है। और इसी प्रयास में मैंने अक्षरांक पद्धति की खोज की और अंकों के स्थानीय मान को समझाया। एकं दश च शतं च सहस्रं अयुत नियुते तथा प्रयुतं कोटि अर्बुदं च वृन्दं स्थानात् स्थानं दशगुणं स्यात्। इस श्लोक में मैंने एक से वृन्द तक की संख्याओं को कहा है। यहाँ स्पष्ट है कि जब भी कोई अंक एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे एकम में एक का मान 1 है तो 10 का मान 10 और शत का मान 100। यानी स्थान परिवर्तन के लिए कोई अंक आवश्यक है। हाँ गुरुदेव, और वही अंक शून्य है। आचार्य, अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गुरुदेव ने शून्य का आविष्कार कैसे किया। आर्यभट्ट सदैव अपने तर्कों में उलझा लेते हैं, किंतु मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन मैं सिद्ध कर दूंगा कि इनकी सारी घोषणाएं मिथ्या हैं, कोरी कल्पनाएं हैं। मान्य कल्पनाओं के विरुद्ध खड़े प्रत्येक व्यक्ति को पहले यूं ही कोरी कल्पनाओं वाला कहकर नकारा जाता है और फिर स्वीकारा जाता है। शून्य का आविष्कार आचार्य आर्यभट्ट ने नहीं किया, परंतु स्थानीय मान की अवधारणा तो दी और यही अवधारणा शून्य को सही तरह से समझा पाए, जो कि अस्तित्व में तो था परंतु समझ में नहीं था, उपयोग में नहीं था। शून्य और स्थानीय मान ही नहीं, अभी और भी ऐसी गणनाएं थी जिसको आचार्य आर्यभट्ट प्रस्तुत करने वाले थे। चतुर्दिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टि स्तता सहस्त्राणाम अयुत द्वैविष्कम्भस्य आसन्न स्वव्रत परिणहास। मित्र, मैं तो समझने में असमर्थ हूँ, तुम ही कहो आचार्य ने इस श्लोक में किन संख्याओं के विषय में कहा है। इसका अर्थ सरल और स्पष्ट है। चतुर्दिकम शतम अर्थात 100 में 4 जोड़कर अष्टगुणम उसका 8 गुना कर दो। यानी 100 में 4 जोड़ने पर 104 और उसका 8 गुना करने पर 832। इसके पश्चात? तुम ही कहो। उचित है। द्वाश अष्टि स्थता सहस्त्राणाम प्राप्त संख्या में 62,000 जोड़े, यानी 62,832 प्राप्त हो, अर्थात 62,832 उस वृत्त की परिधि का मान है, इसका व्यास है 20,000। वाह। ये चर्चा आगे बढ़े इससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम इस श्लोक और इसमें दिए गए मान को ठीक तरह से समझें और आज के ज्ञान में उसको स्थापित करें। वृत्त की परिधि या सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है Circumference is equal to pi into diameter. और आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट द्वारा प्रस्तुत श्लोक के अनुसार 62,832 is equal to pi into 20,000. ऐसे में यदि हम पाई का मान ज्ञात करना चाहें तो वो होगा pi is equal to
62,832 डिवाइडेड बाय 20,000 अर्थात 3.1415 यानी 3.1415 जो कि दशमलव के चार स्थानों तक बिल्कुल वही मान है जो आज हम जानते हैं। आचार्य की यह गणना अद्भुत है, न जाने कितने प्रयोगों के बाद ही वो इस परिणाम पर पहुंचे होंगे। सत्य कहा मित्र, आचार्य की सभी गणनाएं स्पष्ट और उनसे उत्पन्न मान सटीक होते हैं, किंतु इस श्लोक में आचार्य ने आसन्न शब्द का उपयोग किया है, अर्थात इस मान को वो सटीक नहीं मानते थे। इस श्लोक में ही नहीं, सदैव ही इसका मान आसन्न होगा, यही कारण है कि उन्होंने इस मान के साथ आसन का प्रयोग किया। आसन्न मान यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आज हम सब जानते हैं कि पाई की वैल्यू एक इरेशनल नंबर या मतलब ऐसा डेसिमल फॉर्म या दशमलव वाली संख्या जिसका ना अंत होता है और ना ही रिपीटेशन। लेकिन आचार्य आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले ही ये बात कह दी थी, जो कि अविश्वसनीय है। मैंने कहा था ना, मैं एक दिन सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारी सारी घोषणाएं मिथ्या हैं, कोरी कल्पना है। आज वही दिन है आर्यभट्ट। अवश्य आचार्य, आप अपना प्रयास कीजिए, मैं अपना करूं। प्रणाम आचार्य। आज हम आर्यभट्ट की घोषणाओं के संबंध में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आचार्य ऋषभ, आप आरंभ करें। मैं इतना ही कहूँगा कि आर्यभट्ट की घोषणाओं में आधार नहीं है, मात्र भ्रम है। उन्होंने भ्रम के बल पर ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। सत्य तो ये है कि उन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, वे मात्र स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? अब आर्यभट्टी को देखिए, इन्होंने उसमें अपनी अंक पद्धति निर्मित की। क्या लगत, क्या बोधायन जैसे महर्षियों द्वारा प्रस्तुत गणित और अंक गणित में कोई समस्या थी जो अक्षरांक पद्धति निर्मित करने की आवश्यकता हुई? यदि वैदिक ऋषियों द्वारा प्रस्तुत गणित पर अविश्वास होता तो गणित के विषय में लिखता ही क्यों आचार्य? और अक्षरांक पद्धति इसलिए निर्मित हुई क्योंकि मुझे आर्यभट्टी छंद में लिखना थी, जिससे उसका स्मरण सहज हो। और फलित ज्योतिष से दूरी बनाए रखने का कारण? कोई दूरी नहीं है आचार्य। आर्यभट्टीय में गणित पाद, काल क्रिया पाद और गोल पाद तीन भाग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ज्योतिष को सटीकता और स्पष्टता प्रदान करते हैं। वो कैसे? गणित पाद की समझ से गणनाओं में सटीकता आई, काल क्रिया पाद के ज्ञान से ग्रहों की गति और स्थिति की सटीकता, और गोलपाद से ज्यामिति और त्रिकोणमिति के सूत्र और सिद्धांतों की समझ विकसित होगी जो ग्रहों की स्थिति की गणनाओं को गणितीय आधार देगी। परंतु आपने फलित ज्योतिष पर दो शब्द कहना भी आवश्यक नहीं समझा? क्योंकि आवश्यक नहीं था आचार्य। आज हमें ज्योतिष के ज्ञान को कहने की नहीं, उसके आधार में छिपे विज्ञान को कहने की आवश्यकता है। और वैसे भी ज्योतिष को मात्र फलित ज्योतिष कहना ये दर्शाता है कि आपको ज्योतिष जैसे वेदांत का ज्ञान ही नहीं। देखिए आचार्य, आर्यभट्ट का अभिमान देखिए, इन्हें हमें अज्ञानी कहने में भी झिझक नहीं है। ये तो ये कहते भी देखे जाते हैं कि महायोगों की काल की गणना भी अनुचित है। क्या यह सत्य है? मैंने काल गणना को अनुचित नहीं कहा आचार्य। हाँ, काल की आयु से संबंधित स्पष्ट और सटीक मान अवश्य प्रस्तुत किए। जैसे गुरुदेव ने सतयुग को 17,28,000 वर्ष का और त्रेता को 12,96,000 वर्ष का बताया है, और द्वापर को 8,64,000 वर्ष और कलयुग को 4,32,000 वर्ष कहा है। इसका कोई तो कारण होगा। हाँ है, इसका कारण यह है कि मुझे अपनी सभी घोषणाओं को, सूत्रों को,
सटीक गणनाओं के आधार पर सत्य सिद्ध करना था। और इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मैं समय की गणनाओं को अंकों में प्रदर्शित करूं, उन्हें कोई मान दूं जिनका उपयोग गणनाओं में करना संभव हो। गुरुदेव की इन सटीक गणनाओं की वजह से धरती के वर्ष की अवधि जानना संभव हुआ और पृथ्वी की परिधि ज्ञात करना भी संभव हुआ। अद्भुत। आचार्य आर्यभट्ट ने पृथ्वी के वर्ष की अवधि, या यूं कहें जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसकी वैल्यू 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड बताई, जो कि आज की वैल्यू से कुछ ही मिनट ज्यादा है। और अगर हम पृथ्वी की परिधि की बात करें तो आचार्य आर्यभट्ट और आज के वैज्ञानिकों की गणना के बीच सिर्फ 0.2% का ही अंतर है। आप गणनाओं के स्वामी हैं आर्यभट्ट। एक प्रश्न मेरा भी। आचार्य आप भी? सत्य कहो आर्यभट्ट, समय की कोई सीमा है? इसका कोई अंत है? नहीं आचार्य, काल स्वयं अनादि अंतस्य ग्रह बस अनुमियते क्षेत्र। काल अनादि है, अनंत है, इस सृष्टि का कोई अंत नहीं, ये निरंतर है। तब सत्य क्या है? देवता ईश्वर कौन है? प्रणिपत्य एकम अनेकम कम सत्याम देवताम परम ब्रह्म। यह प्रश्न स्वयं से है, वो कौन है? वही सत्य है, वही देवता है, वही परब्रह्म है, वो सभी में है, वो अनेक में है, परंतु वो एक है। मैं उसे प्रणाम करता हूं। आज के अंक में हमने आचार्य आर्यभट्ट पर बात की और पिछले दो अंकों में हमने आचार्य आर्यभट्ट पर एक लंबी चर्चा की। आपको हमारे तीनों अंक कैसे लगे? अपनी प्रतिक्रिया में अवश्य बताइएगा। तो जुड़े रहिए भारत विक्रम से और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक। नमस्कार। देवा व्यदध पुत्रा।
छात्राम् भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।